नमस्कार दोस्तों, काफी ट्रेडर मेरे से पूछ रहे थे सर ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बताइए। तो आज ऊर्जा ग्लोबल में एक शॉर्ट सा एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, एक पैनिक स्टॉक्स है, इसका मार्केट कैप ओनली 322 करोड़ का है। बट अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि पहले भी ये है जो मूविंग एवरेज आप देख पा रहे होंगे, 200 डेज की मूविंग एवरेज है। तो पहले भी ये 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास से वहां पर इसमें बाउंस आया था और ये स्टॉक 8 तक चला गया था, 5 से 8 तक। अभी एक बार फिर से ये 6 के प्राइस पर है, फिर से ये बाउंस लेने की ट्राई कर रहा है। अभी चार्ट पर भी आपको बताऊंगा कि इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपने ये देख लिया कि पैनिक स्टॉक है और इसके रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे। क्वार्टर रिजल्ट इसमें 0.20 प्रॉफिट करोड़ और 0.51, 0.99, तो क्वार्टरली बेस पर थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें इंक्रीज हो रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 2020 से के बाद से प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया है। पहले 31.55 था, 31.97 है। और FIs के पास भी 0.43 का है और थोड़ा एक नामात्र सा थोड़ा 0.01 DIs के पास है और पब्लिक के पास 67 के पास है। और खास बात दोस्तों ये देखोगे कि लास्ट अगर एनुअली रिजल्ट की बात करें तो काफी समय से इसका जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़ या फिर 0 या -1 में रहता था, लेकिन मार्च 2022 में बात करें तो इनका 2 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यहाँ पर आप देखोगे, कंपेयर करोगे लास्ट मार्च 2020 से, तो यहाँ पर प्रॉफिट डबल हुआ है। उसका रीजन आप देखोगे तो सेल तो देखिए ज्यादा नहीं बढ़ी, इंक्रीज नहीं हुई रेवेन्यू, बट एक्सपेंस देखिए, पहले ये देखिए एक्सपेंस भी ज्यादा हो रहे थे। एक्चुअली इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जितना इनका ये देखिए सेल्स है वो उतना ही करीब इनके एक्सपेंस भी है, तो इसलिए यहाँ पर मार्जिन नहीं मिल रहा, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ पा रहा। अब बात करते हैं चार्ट पर। चार्ट पर आप देखोगे कि पहले ये देखिए स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 3 के प्राइस से और ये देखिए 9 के प्राइस तक चला गया था। वन साइडेड रैली इसमें आ गई थी, बीच में थोड़े से इसमें झटके आपको जरूर मिले थे नीचे की साइड, बट फिर ये देखिए स्टॉक 5 के प्राइस पर आया, यहां से इसमें बाइंग आई और स्टॉक ये 8 तक पहुंच गया। अभी फिर ये देखिए स्टॉक, अभी इसका रीजन ये है कि बाइंग का रीजन ये है कि अभी जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल आप देखोगे तो वॉल्यूम इसमें काफी समय बाद इतने अच्छे वॉल्यूम आए हैं और रिजल्ट की डेट भी इसमें 10 अगस्त की है, तो इसमें अगर फर्दर आगे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक फिर से 8.50 तक आ जाएगा। तो इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म की टारगेट की बात करूं तो 8 और 8.50 तक आप इसमें टारगेट जा सकते हैं, तो इसमें 8 और 10 के टारगेट के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। बट इसमें आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए क्योंकि अब आपके पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है ये 5। अगर 5 के नीचे ये स्टॉप क्लोजिंग देता है, आप मीन्स मोटा मोटा मान के चलिए कि 4.90 आप स्टॉप लॉस रखिए, 4.90 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप उसमें एग्जिट कीजिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 पॉइंट का रिस्क है और आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है करीब 2 से 3 पॉइंट का। और अगर हम आरएसई लेवल की बात करें तो आरएसई पहले भी यहाँ पर ये देखिए 20 के लेवल से पहले भी ये बाउंस बैक किया था, अब फिर 20 के पास है, तो आरएसई भी हमें थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से स्टॉक अपसाइड जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, टारगेट के साथ ट्रेड करें, ज्यादा अपना लॉन्ग टाइम का नजरिया भी अभी मत बनाएं क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए फिर दोस्तों आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि स्टॉक नहीं चल रहा नहीं चल रहा, फिर आप निकल जाओगे। तो इसलिए कुछ पेनी स्टॉक्स में आप शॉर्ट टर्म में खेलते रहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे चैनल को अच्छा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कोई भी आपका कमेंट हो सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।